आपने जब आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए। अरे 1000% और क्यों आए हैं आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है बताओ? क्या सर्चिंग है मेरे क्या पास? ऐसी कैसी करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। देखिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना अब ये फेक नहीं है सर, मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है। आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वो लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। How many people are going to come inside and going to search my mother and mother-in-law also? अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी हमें इंसाफ मिला है। ये अमानतुल्ला खान को जो है ये आप देख रहे हैं, इस सामने अमानतुल्ला खान को लाया जा रहा है और लेके जा रहे हैं। अमानतुल्ला खान को लोग देखे यहाँ पर खान को व्यवस्था में जारी और लेके जाया जा रहा है। ये 2016 से अपने निवास से यहाँ पर सुबह जो है आप देख रहे हैं, सुबह से जो है यहाँ पर तांडा लगा हुआ था ईडी का और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर, लेकिन यहाँ खान यहाँ से ये व्यक्ति गाड़ी से ले जाया जा रहा है यहाँ पर।